नमस्ते। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान गूगल कैमरा 8.9 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर GCam 8.9 का जो बिल्ड है इंस्टॉल किया है। BSG करके डेवलपर की तरफ से ये जो GCam का जो बिल्ड है देखने को मिलेगा। एंड Android 11 से Android 14 सभी Android वर्जन के साथ ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस GCam के साथ जो है ढेर सारी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, यहाँ पर काफ़ी स्टेबल बिल्ड जो है यहाँ पर हो गया है। एंड इस GCam का डेफिनेटली एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर रियलमी, रेडमी, पोको, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, आईक्यू, नथिंग फोन 1 सभी के साथ गूगल कैमरा 8.9 का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस GCam का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इस गूगल कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर इस GCam के साथ जो है हाईलाइट फिक्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, जो ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा काफ़ी बढ़िया तरीके से। यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है इस GCam के साथ काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पर सैचुरेशन एंड जो ह्यू है उसे जो है मैनुअली एडजस्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर फोटो को क्लिक करने से पहले ही फोटो के ऊपर जो सैचुरेशन है उसे आप जो है मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, उसे भी ऐड किया गया है। प्लस ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन है कैमरा पोर्ट्रेट मोड के साथ जो यहाँ पर काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर HDR मोड के साथ साथ HDR एनहांस मोड के साथ साथ HDR मोड के ऊपर जो फ्रेम है उसे भी इंक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर आप HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज कर दोगे यहाँ पर जो है फोटो के साथ बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा, बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फोटो के ऊपर HDR एनहांस मोड के साथ जो है फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी HDR मोड काम कर जाएगा, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। एंड कोई भी फोटो को क्लिक करने के दौरान जो कुछ इस तरह से जो सेव आइकॉन देखने को मिलता है इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर इस GCam के साथ जो है पर डेवलपर सेटिंग्स जो है कुछ इस तरह से ऐड किया गया है। डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप नया नया फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाई डिफॉल्ट एनेबल नहीं है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। GCam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर इस GCam के साथ जो है ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑटो वाइट बैलेंस को एनेबल करने के बाद जो है पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर नाइट साइड मोड के ऊपर जो है एस्ट्रो मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ जो है एस्ट्रो मोड को आप एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ जो है काम कर जाएगा। एंड गूगल कैमरा 8.9 के साथ जो है लीफ फाइल एंड XML फाइल का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है। इस ऑप्शन के साथ जो आप XML फाइल को भी इंपोर्ट कर पाओगे GCam 8.9 के साथ, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर इस GCam के साथ जो है बाय डिफॉल्ट मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल है, आपको अलग से जो मल्टीपल लेंस को एनेबल नहीं करना होगा। यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस, मैक्रो लेंस, ये सभी जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट एनेबल है, आपको अलग से जो है मल्टीपल लेंस को एनेबल नहीं करना होगा, बाय डिफॉल्ट एनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर कैमरा एंड पोर्ट्रेट मोड के ऊपर फोकस ट्रैकिंग की यूज करने के लिए एडवांस ऑप्शन में जाके यहाँ से आप जो है फोकस ट्रैकिंग इन पोर्ट्रेट मोड, फोकस ट्रैकिंग इन फोटो वीडियो मोड को एनेबल कर दे सकते हो। उसके बाद जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा GCam को रीसेट करने के बाद। एंड यहाँ पर रॉ फॉर्मेट फॉर HDR मोड GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है यहाँ पर फुल HD 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो है 4K 60fps का जो है सपोर्ट होना चाहिए। यहाँ पर 24fps का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर पिक्सल 7 प्रो, पिक्सल 8 प्रो का जो यूजर इंटरफेस है उसे भी आप एनेबल कर सकते हो। यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ इंटरफेस में जाके आप जो है पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6 है, पिक्सल 7 प्रो, पिक्सल 7 है, पिक्सल 8 प्रो, पिक्सल 8 का जो यूजर इंटरफेस है एंड जो फीचर्स है उसे एनेबल कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर पिक्सल 7 प्रो सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने जो पिक्सल 7 प्रो सेलेक्ट किया है, फिलहाल पिक्सल 8 प्रो और 8 सेलेक्ट करने के बाद जो कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक पिक्सल 8 एंड पिक्सल 8 प्रो जो रिलीज नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ पर पिक्सल 7 प्रो सेलेक्ट करके GCam को रीसेट करना होगा। तो यहाँ पर जो गूगल कैमरा का हमने यहाँ पर रीसेट किया है, यहाँ पर सिनेमेटिक
ब्लर वीडियो का जो ऑप्शन है यहाँ पर एनेबल हो जाएगा, कुछ इस तरह से आप जो Redmi Note 11 डिवाइस के साथ जो सिनेमेटिक ब्लर वीडियो को भी रिकॉर्ड कर पाओगे। तो Pixel 7 Pro का सभी जो फीचर्स उसे आप यूज कर सकते हैं इस Google कैमरा के साथ, इसलिए ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर जो स्लो मोशन काम कर जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है कुछ इस तरह से पहला जो ऑप्शन है Pixel 2 XL को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। 1/4x 1/8x का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, जो है कुछ इस तरह से स्लो मोशन वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से पर ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एनीवे रिसेंटली गूगल कैमरा 9.0 का जो लेटेस्ट बिल्ड है उसका रिव्यू वीडियो हमने अपलोड किया है, आप सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ फिलहाल बात कर लेते हैं फोटो सैंपल के बारे में। इस जीकैम के साथ हमने ढेर सारी फोटोज को क्लिक किया है, तो यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, जिसके साथ जो है बेटर लाइट कंट्रोल देखने को मिलता है। एंड डेफिनेटली अब इस गूगल कैमरा के साथ जो काफी बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर जो है नेचुरल लुकिंग फोटो को भी क्लिक कर सकते हो, प्लस वाइब्रेंट कलर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो सैचुरेशन सेटिंग्स का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो मैनुअली सैचुरेशन को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर पाओगे। डेफिनेटली आप जो काफी बढ़िया सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो, पर फोटो के ऊपर जूम करने के बाद भी काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑटो वाइट बैलेंस के साथ जो है यहाँ पर एक्यूरेट कलर देखने को मिलेगा, नेचुरल कलर देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर शेडो हाईलाइट एंड कलर के साथ भी काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, बढ़िया डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो HDR मोड है HDR एनहांस मोड काम कर जाएगा एंड यहाँ पर HDR एनहांस मोड के साथ जो फोटो का जो फ्रेम है HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज डिक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस करने का ऑप्शन है, मतलब रिड्यूस हो जाएगा, काफी कम नॉइस देखने को मिलेगा, यहाँ पर लेस नॉइस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है मेन लेंस अल्ट्रावाइड लेंस फ्रंट कैमरा के साथ भी कम नॉइस देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है इसे ऑप्टिमाइज किया गया है, बहुत ही फास्ट आप कैमरा से नाइट साइड मोड से पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा में स्विच कर सकते हो, ऑप्टिमाइज बिल्ड है। एंड यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है काफी बढ़िया है, यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो परफेक्ट डायनेमिक रेंज देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप इस जीकैम को ट्राई कर सकते हो, इवन अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ भी आप जो है HDR मोड की यूज कर सकते हो। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ अगर आप HDR मोड को यूज करेंगे तो आपको बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा, बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये जो जीकैम का जो बिल्ड है आपको पहले ही बताया था स्टेबल बिल्ड है इस गूगल कैमरा को, आप जो है एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन काम कर जाएगा, सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, परफेक्ट जीकैम का बिल्ड है। देख सकते हो यहाँ पर लाइट कंट्रोल बढ़िया है, HDR मोड भी काफी बड़ी तरह से काम कर जाएगा एंड नेचुरल लुकिंग फोटो क्लिक कर सकते हो, बेटर कलर विथ बेटर डिटेल्स देखने को मिल जाएगा इस जीकैम के साथ। एंड डेफिनेटली नॉइज भी काफी कम है, प्लस कॉन्ट्रास्ट की फोटो क्लिक कर सकते हैं, पर सैचुरेशन एंड कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो है काफी बढ़िया बैलेंस देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो परफॉर्मेंस के साथ भी इम्प्रूवमेंट है, यहाँ पर शटर स्पीड काफी बढ़िया है, बहुत ही फास्ट आप एक ऑप्शन से उस दूसरे ऑप्शन के ऊपर स्विच कर सकते हो। एंड कोई भी ग्रीन टिन का जो इशू है हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है इस जीकैम के साथ। एंड यहाँ पर एस्ट्रो मोड काम कर जाएगा, नाइट साइड मोड काम कर जाएगा, लो लाइट और फोटोग्राफी के लिए आप इस गूगल कैमरा को यूज कर सकते हो, एक्सलेंट फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड हो जाए, सेल्फी हो जाए, उसके साथ भी आपको बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है, प्लस EIS OIS का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ, इसे भी यूज कर सकते हो। तो आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। ना यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते हैं क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो काफी यूजफुल फीचर्स को ऐड किया गया है एंड काफी हद तक जो स्टॉक गूगल कैमरा का जो एक्सपीरियंस है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, डेवलपर सेटिंग्स के साथ नए फीचर्स को एनेबल कर सकते हो, XML फाइल का ऑप्शन है, लिफ फाइल का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, सेव सेल्फी एज प्रीव्यू का ऑप्शन है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है,
ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड एंड कैमरा के साथ जो है ऑटो नाइट साइड मोड यूज कर सकते हो। मैनुअल कंट्रोल का ऑप्शन है ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करने के लिए। ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, फ्रेमिंग हिंट्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर जो है HDR कंट्रोल एंड HDR नेट का ऑप्शन है। इंस्टेंट HDR मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है पोर्ट्रेट मोड फोटो वीडियो मोड के साथ काम कर जाएगा। यहाँ पर रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी एंड टाइमर लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इस भी ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज गेस्चर्स का ऑप्शन है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, गोल्डन सजेशन, कैमरा साउंड, सेफ लोकेशन एंड इंटरफेस का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप इस GCam को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।